दिल्ली बीजेपी चीफ मनोज तिवारी ने ट्वीट कर नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में जारी विरोध प्रदर्शन के बहाने सीएम अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मनोज तिवारी ने ट्वीट कर पूछा है कि 39 दिन से शाहीन बाग में जारी प्रदर्शन की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, बच्चों को परीक्षा में पहुंचने में देरी हो रही है, उनका समय सड़कों पर बर्बाद हो रहा है, ऑफिस जाने वालों और व्यापारियों को भी इससे परेशानी हो रही है, क्या ये जायज है। गौरतलब है कि मंगलवार को ही शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों की तरफ से ट्वीट कर दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए ये जानकारी दी गई थी कि वो स्कूल बसों को जाने के लिए रास्ता देंगे। मंगलवार को दिल्ली के LG ने भी प्रदर्शनकारियों से बात की थी।